नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी की आज मूव किस तरह से रही और कल के दिन में बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। उससे पहले जो भी दोस्त जन मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को यहां पर डेली बैंक निफ्टी की वीडियो मिलेगी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उसके बारे में भी हम कभी कभी स्पेशल वीडियो बनाकर पोस्ट जरूर किया करेंगे। तो देखिए, आज जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मार्केट, जैसा कि आपने देखा कि सवेरे के सेशन में मार्केट जो है एक ऊपर की साइड में जो है निकला था। उस टाइम जो है हमने पुट राइटिंग की थी, 24,000 की पुट राइटिंग की थी और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से वोलेटाइल था। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया और फाइनली अगर हम यहां पर देखें वन डे के कैंडल में, तो वन डे के कैंडल में ये कैंडल जो आज बनी हुई है डोजी कैंडल, इसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल, जैसा कि आपको पता है कि ये एक अनडिसीजन कैंडल होती है, डोजी कैंडल एक अनडिसीजन कैंडल है। अब देखिए हमको कल के दिन में किस तरह से ट्रेड करना है। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर सका, कल मैं बिजी था थोड़ा। तो मैंने वो जो मैंने परसों आपको जो है वीडियो एक पोस्ट करके दी थी, उसमें देखिए उसकी मैं एनालिसिस जरा कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको यहां पर ये चीज बताई थी कि ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जो है हम इसको नीचे की तरफ सेल के लिए फोकस करेंगे और अगर ये चैनल, ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम जो है बाइंग की तरफ फोकस करेंगे। तो फाइनली देखिए मार्केट ने जो है यहां पर ये लेवल ब्रेक किया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मैंने आपको यहां पर सेल करने के लिए बताया था कि ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो हम यहां पर सेल करेंगे। और फाइनली देखिए मार्केट ने ये लेवल जो ब्रेक किया 24,550 का, 24,550 का लेवल ब्रेक करने के बाद कल मार्केट ने देखिए जो है 24,000 तक का जो है लेवल दिखाया था। मींस हमको यहां पर 500 पॉइंट्स जो है कैप्चर करने का, जो है मूव कैप्चर करने का हमको एक मौका मिल सकता था। सो मैं वैसे कल कर नहीं पाया, कल थोड़ा बिजी था। सो जो है चलिए जो है मतलब होप जो है आपने इस एनालिसिस से जो है अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो चलिए हम आज की अब हम बात करते हैं कि आज आप देखिए जिस तरह से मार्केट, ये देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ जो है निकलने की कोशिश की, बट ऊपर की तरफ भी यहां पर ये देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए ये जो रेजिस्टेंस का जो एरिया था वो नियर अबाउट 24,300 का एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो मैंने आपको बैंक वहां पर बताया भी था टेलीग्राम चैनल में कि अगर ये 24,300 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग मीन्स क्रॉस करने की बात नहीं मैं बताता हूं, मैं क्लोजिंग की बात बताता हूं कि अगर क्लोजिंग दे देता है तो क्लोजिंग देने के बाद जो है हमें एक वहां से बहुत अच्छी मूव मिल सकती है। तो फाइनली यहां पर देखिए 24,300 को टच करने के बाद ये कैंडल जो है इसने एक देखिए एक बेरिश कैंडल यहां पर बना के दी, ठीक है। ये देखिए ये जो है शूटिंग स्टार यहां पर कैंडल बना के दी और फाइनली देखिए इस कैंडल ने कितना अच्छा वर्क किया और फाइनली मार्केट फिर जो है जहां से ओपन हुआ था वहीं पर फिर जो है आकर खड़ा हो गया। और वहां से जब मार्केट देखिए जब इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल में एक 24,000 की कॉल के बारे में बताया था कि 24,000 की कॉल अब जो है ये अच्छा करने जा रही है, ठीक है ना। तो मींस मतलब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि अच्छा करने जा रही है, मींस आप उसको अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अच्छा करने वाली है। सो मैंने वहां पर लिख के बता दिया आपको कि अच्छा करने वाली है, लेवल भी मैं आपको कभी कभी दे दिया करूंगा। बट आज थोड़ा मैं ऑप्शन बैच के स्टूडेंट के साथ आज मेरी लाइव ट्रेडिंग थी तो इस करके जो है मैं आपको लेवल भी नहीं दे पाया, तो मैंने सो ये आपको बता दिया था। हाँ दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज मैं सुबह से जो है बिजी था, आज ऑप्शन बैच के जो भी स्टूडेंट थे उन सबके साथ मेरी जो है लाइव ट्रेडिंग थी तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। आज हमने 10 ट्रेड किए ऑप्शन में, 1, 2, 3, 4 नहीं, हमने 10 ट्रेड किए, क्योंकि देखिए सिखाना था उनको, बताना था, ठीक है ना। सो हमको ट्रेड करना पड़ा और उन 10 ट्रेड में हमने 9 प्रॉफिट बनाए और एक जो है हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ। देखिए स्टॉप लॉस इस वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस होना तो बहुत लाजमी सी बात है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि हमको कल के डेट में क्या करना है। मैं इसको देखिए थोड़ा सा आपको चार्ट करने के लिए यहां पर एक छोटा सा कर लेता हूं। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट, ये देखिए ये तारीख देखिए 19 अक्टूबर, 19 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो चुकी है, ये 10 दिन में मान लीजिए 5-6 दिन जो ट्रेडिंग सेशन है इसके अंदर मार्केट देखिए कंटिन्यू ये एक रेंज बन चुकी है। ऊपर की रेंज जो है 24,800 की है और जो नीचे की रेंज है वो है 23,800 की। देखिए जो मैं बात बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत फायदे की बात है, अगर आप इस पर जो है मतलब अमल करेंगे तो काफी अच्छा पैसा यहां से लेकर जा सकते हैं। तो इस पर जो है जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रेंज बनी हुई है मार्केट में ये 1000 पॉइंट की रेंज है, ऊपर जो है 24,800 और नीचे जो है 23,800। अब ये हमको देखना है कि ये लेवल जिस दिन भी
चाहे वो कल ब्रेक हो जाए, चाहे वो परसों ब्रेक हो जाए, जब भी ब्रेक हो, सॉरी परसों तो सैटरडे है, मंडे को ब्रेक हो, जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको कम से कम वन वे 1000 पॉइंट्स की जो है मूवमेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज ये जो रेंज है ये 1000 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स की ये रेंज है, और जिस तरफ भी ये जो है ब्रेक होगा वहां पर जो है हम 1000 पॉइंट्स की जो है हमको रैली एक देखने को मिलेगी। सो इस चीज को जो है आप जो है अलर्ट रहिएगा, इसको ट्रेड जरूर करिएगा, मैं तो जरूर इसको ट्रेड करूंगा। अब देखिए हमको कल की डेट में क्या करना है, मार्केट देखिए अगर यहां पर फ्लैट ओपन होता है, यहां पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो जो है हमको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, फ्लैट ओपन में हमने कुछ भी नहीं करना है, आपने पेशेंस से यहां पर बैठे रहना है। अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट अगर मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट की गैप अप ओपनिंग हो जाती है और मार्केट आपको इस लेवल पर मिलती है, यहां पर नियर अबाउट अगर यहां पर मिलती है, तो आपने इसको यहां पर सेल के लिए, मतलब आपने पहले इसको वेट करना है, कोई कंफर्मेशन देखना है, कोई यहां पर शूटिंग स्टार कैंडल बनती हो या फिर कोई भी एंगल्फिंग कैंडल बनती हो, तो आपने उस चीज का पहले पहले वेट कर लेना है, उसके बाद फिर जो है मतलब डिसीजन लेना है। अब मैं देखिए बाइंग के लिए मैं आपको बता दूं, और हाँ सूर मैं बाकी उसके बाद बता दूं, अगर मार्केट देखिए यहां पर गैप अप ओपनिंग यहां पर होती है या गैप अप ओपनिंग अगर यहां पर मिलती है हमको गैप अप ओपनिंग, तब हमको यहां पर क्लियर कट जो है यहां पर सेल करना है, ठीक है, हमको यहां पर जो है सेल करना है अगर हमको गैप अप मार्केट यहां पर मिलती है 24794 पर। ये गैप पहले देखिए जो मैं बातें बता रहा हूं उसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं आपको एक बार और बता देता हूं क्या करना है। अगर गैप यहां पर मार्केट जो फ्लैट ओपन होती है तब आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर आप मार्केट मान लीजिए यहां ओपन होती है और यहां होने के बाद इस रेजिस्टेंस पर जाती है, तो आपने जो है यहां पर जो है सेल करना है, ठीक है, आपने यहां पर सेल करना है मार्केट, ठीक है, और हमारा जो है फाइनल टारगेट जो है पहले रहेगा 24300 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद हम नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये पहली सिचुएशन ये थी, ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में बता देता हूं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपन मान लीजिए यहां पर होती है 23800 के लेवल पर, तो हमने यहां पर जो है क्लियर कट जो है बाइंग की तरफ देखना है, ओके, हमने यहां पर बाइंग की तरफ देखना है। अब मैंने देखिए आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, ठीक है ना, देखिए मैं बहुत सिंपल ट्रेडिंग करता हूं, मेरे जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है बहुत सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है बट अफेक्टिव है, क्योंकि मैं कुछ अपने टेक्निक्स इसमें यूज करता हूं और हम ऑप्शन से जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहां से बनाकर जरूर डेली लेकर जाते हैं, हम मैं भी लेकर जाता हूं और हमारे जो ऑप्शन बैच में जो भी हमारे साथ हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सबको मैं अपनी पर्सनल ट्रेड देता हूं, सो वो सब भी यहां पर अच्छा करते हैं। तो देखिए मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहां पर आपको मार्केट मिलती है 24800 के नियर अबाउट, तो आपने यहां पर सेल के लिए जो है प्रेफर करना है, और मार्केट अगर आपको यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है आपको 23800 के नियर अबाउट मिलती है, तो आपने यहां पर जो है बाइंग के लिए आपने यहां पर जो है प्रेफर करना है, ठीक है। सेकंड देखिए अगर आप लोगों को मेरी पर्सनल ट्रेड चाहिए, पर्सनल ट्रेड की कॉल चाहिए, जो कॉल मैं खुद ट्रेड करता हूं, अगर वो कॉल अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको लिंक के थ्रू जाकर एंजल ब्रोकिंग या अलायंस ब्रू में अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने के बाद आप हम मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको जो है अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां पर जो है मैं आपको अपनी पर्सनल कॉल जो है मैं देता हूं, वहां से आपको मेरी पर्सनल कॉल मिल जाया करेंगी, ठीक है ना, 3 से 4 ऑप्शन की कॉल डेली आपको मिलेंगी वहां पर। सो अगर आप अकाउंट हमारे साथ ओपन करते हैं तो आपको जो है मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट स्विंग ट्रेडिंग की और जो है मतलब इंट्राडे की जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो ट्रेड मैं आपको दूंगा, सो आप आइए और मेरे साथ ट्रेड करिए, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको यहां पर एक वनडे के चार्ट में अब चलते हैं, वनडे के चार्ट में भी अब हम यहां पर एनालिसिस करके मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर ये जो लेवल ऊपर का जो जैसा रेंज मैंने आपको बताया 24800, नीचे का जो है 23800। अब देखिए अगर मार्केट में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाती है और मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, अभी देखिए हमारे पास जो मेन हर्डल है वो 25000 और 25200 का लेवल है, अगर मार्केट 24800 का लेवल ब्रेक करती है तो हम 25000 और 25200 इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। अगर मार्केट 23000 का लेवल ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये है 23000 का, 23800 का लेवल ब्रेक करने के बाद 23000 का लेवल मींस 800 पॉइंट का ये हमारा टारगेट होगा, और अगर 24800 का लेवल ब्रेक करती है तो पहला टारगेट 25000, दूसरा टारगेट 25200 और तीसरा टारगेट 25500 का होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ठीक है। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो है मतलब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको यहां पर मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देने वाला हूं। बाकी ऑप्शन की यहां पर जो है आपको कॉल कंटिन्यू मिलती रहेगी। एक चीज और, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है मैं बहुत नॉलेजेबल चार्ट्स जो है वहां पर सेंड करते रहता हूँ। बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स वगैरह है वहां मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में जो भी मूवमेंट हो रही है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, वो सारी चीजें आपको मैं वहां पर टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूं। सो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे चार्ट मिलेंगे, वो चार्ट जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में काफी मदद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको चीज बताई है कि कल हमने किस तरह से ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग प्लान जो आपको बताया है वो आपकी समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। देखिए, अगर मार्केट इस समय जो है 24,088 के लेवल पर क्लोज हुई है और इसका जो है देखिए 24,088 के लेवल क्लोज है, यहां पर क्लोज हुई है, मान लीजिए इसकी ओपनिंग हो जाती है 24,300 के आसपास, तो हमने यहां पर पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद जब 24,300 का लेवल क्रॉस करता है, मैं आपको अब मैं ये बता रहा हूं कि जब फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये 24,300 पहुंचता है, अगर ये वन वे जाता है तब आपने ट्रेड नहीं करना है। अगर ये वन वे जा रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 24,200 गया और 10-20 पॉइंट से करेक्शन हुई, 24,300 गया, 24,300 जाने के बाद यहां पर कम से कम 30-40 पॉइंट यहां पर करेक्शन चाहिए हमको। करेक्शन के बाद जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम इसमें जाकर ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर 100-100 पॉइंट्स की कैंडल बन रही है और हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर हम जो है वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। सो अगर आपको मार्केट 24,800 के लेवल पर मिलती है तो आप उसको सेल करिए। अगर मार्केट आपको 23,800 के लेवल पर मिलती है तो आप वहां पर बाइंग के लिए देखिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आप वेट करिए कि आपको मार्केट 23,800 के लेवल पर मिल जाए या 24,300 क्रॉस करने के बाद जो है आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान है, इसको प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई नॉलेज जो है, जो चीज मैंने एनालिसिस, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिए। थैंक यू।